नमस्ते भोग एलारको वनकम अंदरी की नमस्कारम। आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे ब्यूटी सीक्रेट्स और मेरे कुछ रिचुअल्स जो मैं बचपन से कर रही हूँ। ये मेरे माँ ने मुझे सिखाया था जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, क्योंकि हर दिन मेकअप यूज़ हो रहा था, हर दिन स्टाइलिंग, हेयर, इतना सब केमिकल्स यूज़ करने के बाद मैं चाहती थी मैं कुछ नेचुरल यूज़ करूँ। सो लेट्स गो फॉर इट। चंदन, कॉफ़ी, हनी, ये तीन चीज़ें हम मिक्स करते हैं एंड देन जस्ट स्क्रब आवर फेस। एक टीस्पून चंदन का, अभी ये एक टीस्पून कॉफ़ी का जा रहा है इसमें, ऑर्गेनिक रॉ हनी। कोशिश कर सकें तो आप रॉ इंग्रेडिएंट्स, रॉ और ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स सर्च करिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन को रियली बेनिफिट करे तो उसका ऑर्गेनिक होना ज़रूरी है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स थोड़े ड्राइंग रहते हैं, तो अगर आपकी स्किन ऑलरेडी बहुत ड्राई है तो शायद थोड़ा और हनी इस्तेमाल करिएगा, बिकॉज हनी आपकी स्किन को हाइड्रेट कर देता है, थोड़ा मॉइस्चराइज कर लेता है एंड इसका स्मेल इतना अच्छा है। इट्स लाइक अगर आपको कॉफ़ी पीने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपने लगा भी लिया तो आपको वो फीलिंग आ जाएगी पीने वाली। और एक और बात ये है कि अगर आप इनमें से किसी भी इंग्रेडिएंट्स से एलर्जिक हैं तो ये अगर आपको चेक करना है तो पहले अपने हाथ या अपने नेक पे चेक कर लीजिएगा। तो ये मैं अपने आँखों पे नहीं लगाती क्योंकि ये स्क्रब है और अपनी आपकी अंडर आई की जो स्किन रहती है और जो आपके आँखों के ऊपर की स्किन रहती है बहुत पतली रहती है और सेंसिटिव रहती है, तो उस पर नॉर्मली स्क्रब्स नहीं लगाए जाते। इज देयर एनी तेलुगु पीपल वॉचिंग? आई थिंक मी अंदर की यदि बान अच्छे तंदे एंकंटे वी ऑल हैव दीज डेज वेन द स्किन इज सो ड्राई एंड डल। ఆ డల్ స్కిన్ ఉన్న రోజు ఈ రిచువల్ చేస్తే మీరు చాలా ఫ్రెష్గా ఫీల్ అవుతారు. సో డెఫినెట్గా ఇది ట్రై చేయండి. ఓకే, ముజే లగ్తా హై కి యే స్క్రబ్ హో గయా హై. మే అప్నా స్కిన్ బహుత్ జ్యాదా రబ్ కర్నా నహీ చాతీ, వర్నా వో లాల్ హో జాయేగా ఔర్ వో ఇరిటేట్ హో జాయేగా. మే ఇసే రఖనే వాలీ హూ 10 మినిట్ కే లియే ఔర్ 10 మినిట్ కే బాద్ మే ఇసే నికాల్ దూంగీ. तो मैंने स्क्रब अब उतार दिया है। आई फील माई स्किन सो मच मोर सॉफ्टर। इनफैक्ट जो डेड स्किन रहती है स्किन पे बहुत बार मेकअप इस्तेमाल करने के बाद या बहुत लंबे लंबे अरसे तक यू नो धूप में रहने के बाद वो डेड स्किन जो जम जाती है, थिंक वो काफ़ी हद तक कम हो गई है। अब मैं करने वाली हूँ वो रूटीन जो इसको हाइड्रेट करे, मॉइस्चराइज करे, एट द सेम टाइम क्लेंस करे। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटी थी मैं कुछ प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं कर पाती थी बिकॉज स्किन बहुत ही जल्दी रैश हो जाती थी, तो तभी बेसन और दही वॉज माई गो टू। बट मैंने एक इंग्रेडिएंट नया ऐड किया है इसमें जो रेडिशनेस आप जो अभी थोड़ा देख सकते हैं यहाँ पर उसे कम करती है, इज़ रोज़ वाटर, और ये बहुत ही खूबसूरती से काम करता है। इनफैक्ट ये रिचुअल के बाद कभी कभी मैं सिर्फ अपने फेस पर रोज़ वाटर लगा देती हूँ और छोड़ देती हूँ एंड दैट एक्चुअली हेल्प्स। बेसन मैंने इसमें डाला है, रोज वाटर, पानी पानी जैसा हो गया है, बट मैं इसमें अभी जब थोड़ा योगर्ट डालूंगी तो थोड़ा थिक हो जाएगा। ये देखिए मैंने इसमें अभी दही मिलाई है और ये ठंडी दही है। मैंने कभी कभार ऐसा किया है जब मैं बहुत ही ठंडी जगहों पर काम कर रही थी, जैसे कोई भी माउंटेन पे शूट कर रही थी, तो मैंने स्टीम लेने के बाद स्क्रब करके और फिर ये वाला मिक्सचर यूज़ किया है, बिकॉज जहाँ पर बहुत ठंडी होती है वहाँ पर आपके पोर्स टाइट हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। इसकी जो ठंडक है ये बहुत ही हेल्प करती है। ये मैं थोड़ा अपने अंडर आइज़ पे भी डालूंगी बिकॉज मुझे ये ठंडक अपने अंडर आइज़ पे भी चाहिए। और याद रखिएगा इसका कंसिस्टेंसी आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है एक दिन आपको क्लेंजिंग इफेक्ट चाहिए तो इसे और थिकर बनाइए। जिस दिन आप चाहते हैं कि सिर्फ ज़्यादा हाइड्रेटिंग रहे, ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग रहे, उस दिन आप थोड़ा ज़्यादा योगर्ट डालिएगा। इसके लिए भी 10 मिनट बैठना पड़ेगा ताकि थोड़ा सूख जाए और ये सूख के थोड़ा अपना काम कर ले। तो एक बार जब कर लेता है तो मैं इसको धोने वाली हूँ। तो ये था मेरा स्किन केयर रूटीन, बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत क्लीन दिख रहा है, मुझे काफ़ी सॉफ्ट भी लग रहा है। इनफैक्ट इतने दिनों के काम के बाद आई थिंक ये मुझे बहुत ज़रूरत थी इसकी, और आई एम ग्लैड मैं आपके साथ शेयर कर पाई। तो थैंक यू देखने के लिए। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। थैंक यू, बाय।